लेकिन आप देखिएगा सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं, हरियाणा के रिजल्ट को लेकर के तो भाजपा के लोग भी शुरू से कॉन्फिडेंट नहीं थे। वहाँ के मुख्यमंत्री का ही कई बार बयान आया कि जरूरत पड़ेगी तो हम जो है गठबंधन करके भी सरकार बनाएंगे, ठीक है। तो उनका बॉडी लैंग्वेज ठीक है, तो कॉन्फिडेंट नहीं थी। जो बिहार सरकार के मंत्री ने ही कह दिया अपने ही सरकार पे कि हम और थोड़े चौकन्ने होते तो शायद ये नहीं होता, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। बीजेपी को डर जो है और बीजेपी के साथियों को डर आरजेडी से है और तेजस्वी से है। हमारे जो इमेज है उसको ये लोग जो है खराब करना चाहते हैं। हम लोगों ने जो कहा वो किया, तेजस्वी ने जो कहा वो किया, हमने नौकरी की बात की तो नौकरी दिया, और ये लोग घबराहट में किसी भी तरीके से हमारे चरित्र को खराब करना चाहते हैं। आपको बता दे कि बीजेपी सत्ता में आ नहीं सकती अपने बल बदौलत, और वो चाहते हैं कि तेजस्वी को बदनाम करके सत्ता में आ जाए, जो कि कभी पूरा होने वाला नहीं है। हम लोगों ने पूरी तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करके भवन निर्माण के लोगों को हमारे लोगों ने सौंपा है। कल चोरी कर लिया, टोटी चोरी कर लिया, फलना चोरी कर लिया, इस तरह का जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हमने सबको देखा है, सबको, जो लोग बोले हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाया है और जिन लोगों ने गलत दिखाया है, सबका हमने अपने लोगों को बोल दिया प्रोफाइल बनाओ। हमने अपने वकीलों से बात की है, जल्दी ही उनको लीगल नोटिस जाने वाला है। अरे भाई, बेल तो मिलना ही है, क्योंकि झूठा आरोप लगाया गया, झूठा मुकदमा किया, केस में दम नहीं है, और हम लोगों को न्याय मिला, आगे हम लोग जीतेंगे। और एक बात और बता दें, हम लोग पूरी तरीके से बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, बिहार के लोगों की तरक्की देखना चाहते हैं, उसलिए कई प्रकार के प्रहार किए जा रहे हैं हम पर, चाहे बीजेपी आगे से ना करे पीछे से करवाए। सत्ता में बैठे हुए लोग ही गाली दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बल्कि उनको जवाब देना चाहिए कि तुम 20 साल तक सत्ता में रहे, बिहार के लोगों के लिए क्या किया।